उस आदमी ने सर्व समाज को जोड़ के अपने साथ में मेहनत की और आज हरियाणा की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित। नायब सिंह जी की बात करते हैं तो नायब सिंह का व्यक्तित्व नायब नहीं नायाब वाला व्यक्ति। पड़ोसी राज्य हरियाणा में नायब सिंह सरकार का गठन हुआ है, भाजपा से ताल्लुक रखते हैं और देखा जाए तो 2-3 महीने बाद में जो है नायब सिंह सैनी ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने जो है दूसरी बार जो है शपथ लेने का कार्य किया है और इसकी खुशी ना केवल हरियाणा जन प्रदेश में मनाई जा रही है बल्कि जो है पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी जो है नायब सिंह सैनी के गठन की खुशी मनाई जा रही है। भाजपा शेष नेतृत्व का जो है सैनी समाज धन्यवाद कर रहा है और आपस में मिष्ठान खिलाकर एक दूसरे को बधाई दे रहा है। यही नहीं, नायब सिंह सैनी को लेकर लोगों में इतना उत्साह है, समझ रहे हैं कि पहला मौका है कि नायब सिंह सैनी ने नेशनल लेवल पर पूरे भारत में सैनी समाज का नाम उभारने का कार्य, प्रकाशित करने का कार्य किया है। सहारनपुर जनपद में अभी हाल में मौजूद है प्रगतिशील सैनिक सभा की एक मीटिंग हुई है, अहम मीटिंग हुई है और बधाई को लेकर मीटिंग हुई है। तमाम पदाधिकारी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे नायब सिंह सरकार को लेकर जो मिष्ठान बांटा जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही है, कैसे देखते हो या क्या कहना चाहेंगे। शुरुआत करते हैं, हमारे साथ में जो है चौधरी विक्रम सिंह जी हैं और वरिष्ठ नेता है भाजपा के, इनसे शुरुआत करते हैं, तमाम जानकारी ली जाएगी। जी, नायब सिंह सैनी का गठन, सरकार का गठन हुआ है पड़ोसी राज्य हरियाणा में, कैसे देखते क्या कहना चाहेंगे? भाजपा के हैं और सैनी समाज से भी आए, प्रफुल्लित हो रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, उस आदमी ने सर्व समाज को जोड़ के अपने साथ में मेहनत की और आज हरियाणा की सरकार के वो प्रमुख हैं। और इसी तरह यदि कोई व्यक्ति काम करता है तो स्वाभाविक है अब वो अपनी मंजिल पार कर जाएगा। ये हमारा उनकी सरकार के लिए धन्यवाद है। जैसे जो है बहुत अच्छी परिस्थितियां नहीं थी, मीडिया भी जो है कांग्रेस को जो है सरकार बता रही थी 50-55 तक जो है एग्जिट पोल बता रहे थे। क्या लगता है भाजपा ने कौन सा खेला कर दिया विपक्ष के साथ में जो भाजपा में नायब सिंह सरकार का गठन वहाँ पर हुआ है? जो समझो गैर जाट वोट था वो साइलेंट था और उसने जो चुपचाप जो है सरकार के पक्ष में मतदान किया है। ईवीएम के साथ छेड़खानी तो नहीं कि सर भाजपा वालों ने? ये तो एक कहने के लिए बहाना है, ईवीएम की छेड़छाड़ होती तो कासिमिन में भेजती, बाकी जगह भी जीतते। वहाँ मौका नहीं मिला, हो सकता है यहाँ मौका मिल गया? नहीं, ऐसा नहीं है, एक जगह हो सकता। तमाम सैनिक समाज यहाँ पे खड़ा हुआ है, सांपुर जनपद का, क्या कहना चाहेंगे और कैसे धन्यवाद देना चाहेंगे शीर्ष नेतृत्व को, भाजपा को क्या धन्यवाद देना चाहेंगे और नायब सिंह सैनी को मंगल कामनाएं आपकी कैसे रहेंगी? हाई कमान का एक बहुत बड़ा ये फैसला है समाज के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, और आपके जो है उनका जो है हमें पूर्ण समर्थन आगे भी करना चाहिए, ऐसा पहली दफा हुआ है। देखने में आता है जब से जो है देश आजाद हुआ है सैनिक समाज है इस तरह के पद पर शीर्ष नेतृत्व ने जो कभी न बिठाया, न ऐसा कोई मौका मिला कि किसी प्रदेश का जो मुख्यमंत्री बनने का कार्य सैनिक समाज के किसी व्यक्ति ने किया हुआ, पहला मौका मिला, कैसे देखता है सैनिक समाज? पहली सरकार जो थी कांग्रेस की, उसकी सोच ये रही है जो समाज में ऊंचे लोग थे, राजा लोग थे, ज्यादातर कांग्रेस की सोच में वही मुख्यमंत्री बनते रहे। ये बैकवर्ड कहना चाहिए या बाकी समाज कहना चाहिए, उसका नंबर तो अब बाद में परिवर्तन हुआ है ये लोगों की सोच का, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो प्रधानमंत्री जी की है। खटारा गाड़ी नायब सिंह सैनी के हाथ में सौंप दी गई और फिर उसको दुरुस्त करके या दोबारा लाइन पे लेकर आए नायब सिंह सैनी, कैसे देखते हैं उनकी व्यक्तित्व कुशलता को आप कैसे देखते हैं, क्या कहना है? उनका व्यक्तित्व जो है वो जनता में विश्वास के लायक बना है और उसी के आधार पर जो है जनता ने उन पर भरोसा किया है। साथ में जो इस खुशी में प्रगतिशील सैनिक सभा के जिला अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता
अभय सिंह जी एडवोकेट भी हमारे साथ में है, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, मिठाई खा रहे हैं, खिला रहे हैं और बड़ा लोगों को जो संदेश दे रहे हैं, बड़ा अच्छा दिन इसको बता रहे हैं आज जब नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण है हरियाणा में। क्या कहना चाहेंगे सर नायब सिंह सैनी के नाम पर सैनी समाज को तोहफा जो मिला है? पहले तो मैं पत्रकार महोदय आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हमारी इस खुशी में शामिल हुए हैं। वास्तव में ये सैनी समाज के लिए बड़ा ही गर्व का और खुशियों भरा दिन है। जब हम नायब सिंह जी की बात करते हैं तो नायब सिंह का व्यक्तित्व नायब नहीं नायाब वाला व्यक्तित्व है, वो विशाल हृदय का स्वामी। पिछले 10 सालों की जब हम चर्चा करते हैं तो पहली बार विधायक बने, विधायक रहते हुए मंत्री रहे और मंत्री रहते हुए ही जब 2019 का चुनाव आया तो मेंबर पार्लियामेंट चुने गए और मेंबर पार्लियामेंट रहते हुए उनको पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी मनोनीत किया गया। पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत करते हुए जब उनको मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई, बहुत कम समय विधानसभा के चुनाव का बचा था और उसी समय में उपचुनाव में करनाल से पुनः विधायक चुने गए और इस बार ये भारत के इतिहास में, विशेषतः हरियाणा के इतिहास में 1966 के बाद पहली बार कोई मुख्यमंत्री ऐसा है जो अपनी पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार सत्ता में लाया है। तो इस मौके पर मैं जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है उसके प्रति आभार व्यक्त करते हुए कि उनका एक कथन सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास और सबका साथ, इस नारे को बड़ी मजबूती के साथ आदरणीय मोदी जी ने हरियाणा में कर दिखाया है और हमारे समाज के एक नायाब व्यक्ति को मुख्यमंत्री दोबारा बनने का मौका दिया है। मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जो बहुत ही यशस्वी और लोकप्रिय अपने कार्यों के द्वारा साबित हुए हैं इन पिछले 4-6 महीनों में कि उन्होंने दिखाया कैसे विकास हो सकता है, कैसे सीएम हाउस सबके लिए खुल सकता है, कैसे एक मुख्यमंत्री आम जनता के बीच रहकर मिलकर उनकी समस्याओं को जान सकता है और उनका समाधान निकाल सकता है। रात के 12-12 बजे तक अपने अधिकारियों से बैठ के करके और जनता से मिल के दिन रात जो उन्होंने मेहनत की, ये उसी का परिणाम है कि पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की पहली बार हरियाणा में सत्ता नसीन हुई है। आदरणीय नायब जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना कि उनका स्वास्थ्य बहुत उत्तम हो और वो आगे भी अपनी लोकप्रिय नीतियों से प्रदेश को और हमारे समाज को और आगे ले जाने का काम करें। सैनी समाज है, भाजपा का समाज माना जाता है, कहीं इसका प्रतिफल कहीं इसका पुरस्कार तो सैनी समाज को नहीं मिला। नायब सिंह सैनी के रूप में जो है कि पूरा संगठित समाज है बीजेपी के साथ चलने का कार्य करता है, क्या कहना चाहेंगे? ये बात आपने बहुत सही कही है, हमारा समाज बहुत ईमानदार जानदार और शानदार है और हिंदुओं में पूर्णता के साथ भाजपा के साथ खड़ा होकर चलता है। कहीं भी आप ले लीजिए, जब हम पंजाब से शुरू होते हैं और इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद तक और उत्तराखंड में अपना हरिद्वार देहरादून तक, तो पूरा समाज एक साथ भाजपा के साथ खड़ा होता है और ये भाजपा की मेहरबानी भी है कि समाज को आगे बढ़ाने का मौका भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने दिया है। धन्यवाद। तो तमाम लोगों का ये कहना है कि जो है नायब सिंह सैनी को मौका मिला है, नायब सिंह सैनी जो सरकार शपथ ली गई है आज और मंत्रिमंडल का भी है, उन्होंने शपथ दिलाने का कार्य किया है, बहुत मंगल कामनाएं देने का कार्य है सैनी समाज ने सहारनपुर में किया है। नायब सिंह सैनी का कार्यकाल सफल हो और आम आदमी के घर में रोशनी जाए, आम आदमी के घर में यह सरकार की नीति जीती जाए, ऐसी मंगल कामना कर रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर जुड़े हुए थे बातचीत करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।